सेवा जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत दिन बाद यह वीडियो बन रहा है, आप भी राह देख रहे होंगे और मैं भी ये सोच रहा था कि कब कब घर जाऊँ और कब कब वीडियो मैं ऐसे बनाऊँ। और कल जो दिन है वो हम सभी के लिए, खासकर हमारे स्त्री बहना महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वो दिन है वीरांगना रानी दुर्गावती शहीद दिन। ऐसे ही 24 जून आ जाता है, वैसे ही देश भर में वीरांगना रानी दुर्गावती को पूरे देश भर में माना जाता है, पूजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा इतिहास है, जिसको आज के वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा। मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं, आपको जाना है उस वीडियो को देखना है। और हाल ही में अभी इस वीडियो के पहले का वीडियो जो है वो रैप सॉन्ग जो मैंने बनाया है वो पूरा वीरांगना रानी दुर्गावती जी पर प्रेरित गाना है कि एक लड़की कैसे समाज में ही नहीं तो पूरे देश में नाबालिग लड़कियों पर बलात्कार हो रहे हैं, यह कटु सत्य है हमारे देश के लिए। और जब नाबालिग लड़कियों पर बलात्कार होता है, वहाँ तो हम होते नहीं हैं, वहाँ तो कोई समाज नहीं होता है उन्हें बचाने, लेकिन हम लोग कैंडल साथ में पकड़ के जब रास्ते पे उतरते हैं तब हमें ही एक ऐसा गिल्टी फील होता है कि अब सब हो जाने के बाद हम लड़ रहे हैं। तो क्यों ना लड़कियों को प्रेरित किया जाए कि ऐसे अगर लोग आपके लाइफ में आते हैं तो उनको कैसे निपटना है। आपके अंदर भी वीरांगना रानी दुर्गावती है, यह बताने वाला सॉन्ग, यह बताने वाला वीडियो, इस वीडियो का पिछला वीडियो है जिस वीडियो का टाइटल है कोई तो रैप सॉन्ग, जिसको आप देख सकते हैं और प्यार दे सकते हैं। दोस्तों मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ। वीरांगना रानी दुर्गावती की जो कहानी है, इतिहास है, जबलपुर गढ़ा मंडला गढ़ा कटंगा, आप इस वर्ड को सर्च करेंगे तो आपको चुटकी में आपके मोबाइल में हाजिर हो जाएगी। हाँ, कहीं पर इतिहास थोड़ा सा अदल बदल किया गया है, उसको हम अपने सही ढंग से लिखेंगे, लेकिन वीरांगना रानी दुर्गावती संग्रामशाही का इतिहास जबलपुर क्षेत्र में बहुत बड़ी पैमाने पे माना जाता है। और एक्चुअली जब हम जबलपुर गए थे तब संग्रामशाही, रघुनाथशाही, वीरांगना रानी दुर्गावती के शहीद भूमि पर भी गए थे, जहाँ पे वीरांगना रानी दुर्गावती की समाधि स्थल है वहाँ पर भी गए थे, उनको हम लोगों ने नमन किया। इस वीडियो का उद्देश्य वो नहीं है कि उनका जन्म यहाँ हुआ इस तारीख को हुआ, उनकी मृत्यु यानी वो शहीद इस तारीख को हुए, ये बताना नहीं है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आज कुछ अलग है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं मेरी इस वीडियो के द्वारा मेरी बहनाएँ, मेरी माता है, सभी को निवेदन करना चाहता हूँ कि वीरांगना रानी दुर्गावती का जो संघर्ष रहा है वो कैसे रहा है। वो जब आई यहाँ, एक राजा उनके पति थे और ऑब्वियसली वो ही राजपाट चलाते थे, लेकिन कुछ ऐसा उनके लाइफ में हो जाता है कि उनके पति निकल जाते हैं और फिर सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति, उस स्त्री, उस महिला, उस माता पर आ जाती है। अभी उसको वहाँ पे भी वीरांगना रानी दुर्गावती के पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि वो राजपाट चलाए ना चलाए, और चलाए तो कैसे चलाए। उस ज़माने में कुछ राजा ऐसे वैसे ही चलाते थे, कोई आ गया, कोई बलाढ्य शत्रु हैं तो उससे दो हाथ कर लो और अपनी जान बचा लो, ऐसे भी होता था। लेकिन वीरांगना रानी दुर्गावती ने मौत का रास्ता क्यों चुना? इसके पीछे ये रीज़न है कि जब आप अपने वतन से, अपने ज़मीन से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं, तो आप इस कदर निकल पड़ते हैं। और यही प्रेम, यही सद्भावना वीरांगना रानी दुर्गावती की यहाँ के कोयतुर भूमि के लिए थी। चाहे वो अंग्रेज़ हो, चाहे वो अकबर हो, सभी के लिए उसने उसी नज़र से दिखा कि ये बाहरी लोग हैं और ये हमारे क्षेत्र पे कब्ज़ा जमाना चाहते हैं, हमारे जल जंगल ज़मीन पे कब्ज़ा जमाना चाहते हैं, तो मैं लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी। ये जो हौसला था, ये हौसला मायने रखता है। कोई लड़की आकर बोल सकती है आज कि नहीं सर जी, आप तो बता रहे वो 1500 का काल था, आज आप बता रहे 2023 में, तो बहुत सारी सिस्टम चेंज हो गई, अब हम कैसे लड़े, अब हम तो तलवार नहीं ले सकते हाथ में। हाँ बहना, आप तलवार नहीं ले सकते, लेकिन हाँ मंजर शायद बदल गया है, लेकिन शत्रु आज भी वैसे के वैसे खड़े हैं। वो शत्रु आज भी देख रहे हैं कि कोई एक अकेली लड़की मिल जाए तो हम बलात्कार करेंगे। आज भी लोग राह देख रहे हैं, आज भी लोग, आप आए दिनों अखबार अगर पढ़ेंगे तो स्त्री पे अत्याचार होने के ज़्यादा प्रमाण हमें सामने आ जाते हैं। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि स्त्री छोटी है, कमज़ोर है, ये इसलिए हो रहा है कि हम अब खुद को कमज़ोर मानने लगे हैं। आप इतिहास उठा के देख लो, जब गोंडवाना का युद्ध होता था और जब वहाँ पे कोई उनका राजा, उनका प्रमुख अगर युद्ध में वीरगति प्राप्त करता था, उसके बाद महिलाओं ने हाथ में शस्त्र उठाए हैं,
स्त्री यहाँ की गोंडवाना की महिला सिर्फ सब्जी नहीं काट सकती तो वो किसी का गला भी काट सकती है। ये हमारे इतिहास ने बार बार हमारे सामने रखा है, लेकिन आज हम खुद को कमज़ोर मानने लगे हैं और इसी का फायदा बाकी के आज के जो शत्रु है, जैसे पहले का शत्रु घोड़े पे तलवार लेके आता था, आज का शत्रु मोबाइल के ज़रिए आपके मोबाइल में घुस सकता है, आज का शत्रु आज की टेक्नोलॉजी लेकर आपके सामने आ सकता है। शत्रु वही है, सिर्फ रास्ते बदले हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती का जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो आँख में पानी आ जाता है कि लास्ट में उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हुए भी अपने समाज के लिए उन्होंने प्राण त्यागे। ये बहुत कुछ कहानियों को हम वहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन इससे एक बात नज़र आती है, अगर गोंडवाना की महिला, स्त्री, माता, बहन सब लोग अगर खुद को कमज़ोर मानने लगेंगे तो वीरांगना रानी दुर्गावती की शहादत व्यस्त चली जाएगी। अगर सही में वीरांगना रानी दुर्गावती जी को शहादत देनी है, सही में वीरांगना रानी दुर्गावती के इतिहास को अपने दिल में बिठाना है, तो एक काम आप सभी को करना है, वो ये है कि आप किसी भी स्टेज पे हो, आप कहीं पे भी हो, आपको निडर बन के अपनी समस्याओं का सामना करना है और उस समस्या का हल पाकर अपने करियर में बेस्ट बनना है। दोस्तों, ये वही देश है जिस देश के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में आपको एक हमारा नेता विदेशों में जाकर हमारे महिलाओं के गुणगान गा के आता है और उसके बैक पेज पर हमें ये नज़र आता है कि हमारी किसी महिला ने ओलंपिक में कोई मेडल लिया था, आज वो आंदोलन कर रही है और उसके पीछे कोई भी खड़ा नहीं। ये वही देश है जहाँ पे महिलाओं के दिन पर, महिला दिन के अवसर पर बहुत बड़े नेताओं ने यहाँ पे बड़े बड़े स्पीचेस दिए, बड़े बड़े किताब लिखे जिसको पब्लिश किया गया, गुणगान किया गया। न्यूज़पेपर के बैक पेज पे हमें ये दिखता है कि एक लड़की का बलात्कार 8 लोगों ने मिलकर किया। इसका ये मतलब है कि नियम कानून संविधान की वजह से शिथिल तो हुए हैं लेकिन लोगों के दिमाग से नहीं निकले। लोग आज भी ये मानते हैं कि महिलाएं कमज़ोर होती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज भी न्यूज़ मीडिया इनडायरेक्टली आपको बता देती है। इस वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर ये वीडियो मेरा बनने का उद्देश्य यही है। मैं ये कभी नहीं तय करता कि मेरे वीडियो में कितने व्यूज़ आएंगे, मेरा वीडियो कितना उठेगा, मैं वीडियो में कितना कमाना चाहता हूँ, ये मेरा कभी भी मकसद नहीं होता। मकसद ये होता है कि हर एक वीडियो से एक ऐसा मैसेज निकले जो मैसेज मेरी बहना देखे तो उसके दिल पर घर कर जाए, बस यही हमारा अंदाज होता है और यही हमारा मैसेज। दोस्तों, इस मैसेज के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए सभी महिलाओं, बहनाओं को, माताओं को, सभी जो मेरा वीडियो देख रही है, सभी को बताना चाहूँगा, मैं यहाँ से तो नहीं जानता कि आप किस फील्ड में हैं, कैसे संघर्ष कर रही है, किन लोगों से संघर्ष कर रही है, लेकिन आपको ये तो बताना चाहूँगा कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप वीरांगना रानी दुर्गावती का इतिहास ज़रूर पढ़ना। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको उस समस्या से निकलने का समाधान भी मिलेगा, क्योंकि ये इतिहास ही ऐसा अमर है जो जितनी बार पड़ेगा उतनी बार वो संचालित होगा, उतनी बार वो ऊर्जावान होगा और फिर आगे दौड़ने लगेगा। क्योंकि गोंडवाना का इतिहास, हम यही कहते हैं, हमारे लोगों का यही कहना होता है, गोंडवाना के इतिहास बहुत सारे लोग नहीं जानते, गोंडवाना भी थोड़ा सा छोटा सा है, ऐसे लोगों की आज जो मेंटेलिटी बनी है उन लोगों को साबित करने के लिए यह चैनल है और इस चैनल के ज़रिए जो भी इम्पोर्टेंट इतिहास है उसको हम सामने लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो जिनको भी लगता है कि हाँ यार मैं डिप्रेशन में हूँ, हाँ यार मेरे से नहीं होगा, हाँ यार मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, जिनको भी लगता है उनको चैलेंज है, आप जाइए वीरांगना रानी दुर्गावती का इतिहास दिल लगाकर पढ़िए, उसके बाद आप ऐसे मोटिवेट हो जाएंगे कि आपको कोई डीमोटिवेट कर ही नहीं पाएगा। ये है गोंडवाना की ताकत और ये है यहाँ के वीर पुरुषों की ताकत जिसको हमें समझना है। तो वीरांगना रानी दुर्गावती का पुतला लगाकर, उनको फूलों के हार पहनाकर, एक दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम रखकर हम कुछ साबित नहीं कर सकते। हम उस दिन साबित कर पाएंगे जिस दिन वीरांगना रानी दुर्गावती को हम दिल में बिठाकर हम उनको समझ पाएंगे कि उन्होंने, अरे इससे भी ज़्यादा कठिन हालात थे। वीरांगना रानी दुर्गावती के पास बड़ा सैन्य होते हुए भी उनके पास बहुत ऐसी कठिन परिस्थिति आई, उनको बहुत सारे रास्ते भी मिले कि वो भाग सकती है, वो सरेंडर कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती थी, बट उन्होंने एक रास्ता चुना, शहादत की मौत।
और वो मौत आज 400 साल बाद भी हमें प्रेरित कर रही है। तो वीरांगना रानी दुर्गावती हर एक महिला में होती है, उसको कब जगाना है, उसको कब सामने लाना है, ये आप पर है। दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हो गया हूँ। इंस्टाग्राम का अकाउंट और फेसबुक पेज का अकाउंट का नाम सिर्फ यही है, अलाइव ब्रीथ। आप अलाइव ब्रीथ डाल देंगे तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट भी आ जाएगा। वहाँ पर भी मैं थोड़ा अभी एक्टिविटी करने लगा हूँ, तो जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, फेसबुक पेज पर भी फॉलो करिए और थोड़ा सा मेरी संख्या जो है वो बढ़ा दीजिए ताकि और मुझ में जोश आए और मैं वीडियो बनाऊँ और आपको ऐसी जानकारी मैं देता रहूँ। कल ही वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे 2023 का वीडियो जल्द मेरे चैनल पर अपलोड होने वाला है, तो आप चैनल पर बने रहे। मेरे चैनल के पीछे अभी मैंने जो 2-3 कंटेंट डाले हैं सॉन्ग्स है, लेकिन हर सॉन्ग्स में आपको एक अर्थ मिलेगा, हर सॉन्ग से आपको एक मैसेज मिलेगा। सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है जिसमें आप जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे गानों को, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हमारा उद्देश्य बाकी सभी सगाजनों को पता चले। तो यही पे आज रुकता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणाना, जय भीम, वीरांगना रानी दुर्गावती ना सेवा सेवा।